हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ हम आए गुजरात और आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखते हैं अहमदाबाद में क्या चीज़ें हमें देखने मिलती है। गाइस, वडोदरा टू अहमदाबाद अराउंड 110 किलोमीटर्स है, इसलिए यहाँ हमें पहुँचने के लिए 2 घंटे लगे बाय रोड। रोड काफ़ी अच्छा है और लकीली हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला। अहमदाबाद हाईवे से साइंस सिटी आपको अराउंड आधा घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद। आज मैं आई हूँ अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए और हम जो फर्स्ट स्पॉट एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है साइंस सिटी। साइंस सिटी की टिकट हमने ऑनलाइन ही निकाली थी। अब फुल टूर लेना चाहते हो तो उसके ₹500 और एंट्री फी है ₹50। अगर आप यहाँ आकर टिकट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हम ऑनलाइन मुंबई से ही बुक करके आए। तो चलिए अब एक्सप्लोर करेंगे साइंस सिटी को। गाइज, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो हमने तो टिकट ऑनलाइन बुक किए लेकिन आप यहाँ आकर भी टिकट्स ले सकते हैं। ये है यहाँ का मैप अट्रैक्शंस का। सारी चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पर दी है कि आप कैसे अंदर जाए, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। में ही आपको मैप दिया जाता है जब आप टिकट दिखाते हो। वो मैप के बावजूद भी सब जगह पे इनके साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन साइन बोर्ड्स को देखकर भी आपको जहाँ जहाँ जिस जिस गैलरी को विजिट करना है आप कर सकते हो। तो हमने डिसाइड किया हम पहले विजिट करेंगे एक्वेटिक। तो ये है एक्वेटिक गैलरी, चलिए जाकर देखते हैं अंदर। गाइस, ये है एक्वेटिक गैलरी और ये डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, 4 जोन्स और ग्लास टनल। तो चलिए देखते हैं इसे। फर्स्ट है इंडियन जोन, तो चलिए देखते हैं इंडियन एक्वेटिक एनिमल्स। ये है एशियन जोन। वाओ, कितनी सुंदर गोल्ड फिशेस है यहां पर। अब हम पहुंचे हैं अफ्रीकन जोन, तो चलिए देखते हैं अफ्रीकन एक्वेटिक एनिमल्स। अब आ गए हम अमेरिकन जोन में।
बाप रे, बहुत ही बड़ी वाली फिशेस है यहाँ पर। वाओ, ऑरेंज, गोल्ड और सिल्वर फिशेस कितनी सुंदर है। टर्टल भी रखा है यहाँ पर। जायंट मोरे, ये फिश वाटर स्नेक के जैसी लग रही है। चलिए अब देखते हैं ग्लास टनल। वाओ, चारों तरफ फिशेस ही फिशेस है और वो भी वैरायटीज में। सब लोग यहीं पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए। और एक मजेदार चीज है यहाँ पर, एक ग्लास रूफ जहां पर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप फिशेस के बीच में हो, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये है छोटा सा पॉन्ड फिशेस का, चलिए इसे एंजॉय करते हैं। वाओ गाइस, यहाँ पर पेंगुइन भी रखे हैं। अभी हमने देखा पूरा एक्वेटिक गैलरी, अब चलेंगे आगे रोबोटिक गैलरी के तरफ, तो चलिए मेरे साथ। और बहुत ही अच्छा पीसफुल वातावरण है यहाँ का, जो साइंस सिटी बनाया है यहाँ पे, सब पीसफुली देखते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो चलिए आगे जाके देखते हैं रोबोटिक गैलरी को। गाइज, ये है वेलकम करने वाला रोबोट। You got that something, baby, that I can go without, just like a poison in me. You're all that I'm about, having the highs on my the lows. It's getting out of my control. I want that something, baby, 'cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get it soon. यहाँ पे है टेमी रोबोट, इसे टेमी कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका यूज मॉल प्रोग्राम किया जाता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया जाता है और ये काम करते हैं। जो भी चीज चाहिए क्लिक करो वहाँ पे लिखे जाते हैं, और जिस सेक्शन में जाना है आपको वहाँ पे जो जो सेक्शन दिए गए हैं वो आपको क्लिक करने रहेंगे, वहाँ पे आपको लिखे जाता है। जिसके मैंने वहाँ से मैन सर क्लिक किया था, मैन सर में आगे वुमन सर क्लिक करते हैं। इसी तरह से ये हमें गाइड करते हैं एंड ये फॉलो भी करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे सेंसर दिया गया है। यहाँ पे ऊपर वन टैप करते स्कैन कर लेगा, उसके बाद पीछे चलेगा। उठा सकते हैं कि जो नॉर्मल बैग है इसके ऊपर रखते हो, तो ये सामान उठा के पीछे चलते हैं। मैं पीछे थोड़े काम करता हूँ,
काम हो गया कम्प्लीट, 40 पर तो वापस भेजना है, व्हाट्सएप कर दो, अनफॉलो कर देना, होम पेज बटन दबा दो, ऑटोमेटिकली 40 पर तो वापस आ जाएगा, इसे वापस करके जाने की जरूरत है। दो से तीन मिनट में यहाँ पे शुगर रोबोट है, तो टीम बनाई गई है यहाँ पे, इसके ऊपर ये जो आप देख लो कि डिफरेंट टाइप के कलर डॉट्स लगाए गए हैं, जो फोटो कैमरे उसमें डिटेक होते हैं, उसके बाद डेटा पास करते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कमांड दिए जाते हैं और ये पूरा गेम स्टार्ट होता है, जिसमें जो भी ऑरेंज बॉल के पास होता है वो उससे करेंगे। ये तीन रोबोट यहाँ पे रखे गए हैं जो यहाँ भी मदर बोर्ड असेंबल करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रोबोट होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, मोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, यहाँ भी कंप्यूटर का जो मदर बोर्ड है उसे असेंबल कर रहे हैं। And these are my siblings. We are going to perform a very famous song, Tara. Let's get started. Please join us. गाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाए गए कुछ रोबोट्स हैं, तो चलिए इसे भी देखते हैं। नेचर पार्क को देखने के लिए तो चलिए जाकर देखते हैं नेचर पार्क को। तो ये जो साइंस सिटी है इसको आप फुल डे एंजॉय कर सकते हो, फुल डे इसको विजिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए। तो डेफिनेटली आप अगर अहमदाबाद साइड आ रहे हो तो साइंस सिटी विजिट करिए, और ख़ास करके अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो एक्सट्रीमली बहुत नॉलेजेबल चीज़ें भी यहाँ पर है, तो उनको नॉलेज भी मिलेगा और उसके साथ साथ
एंजॉयमेंट में मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अंदर जाके देखते हैं नेचर्स पार्क। बहुत ही सुंदर पार्क बना है फैमिलीज के लिए और आप आराम से यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ ही में फोटोज एंड वीडियोज भी निकाल सकते हैं। अगर आपके साथ किड्स आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ खेलने बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बना है जहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। पैडल बोट के 4 सीटर के चार्जेस है ₹150 10 मिनट्स के और एक्वा रोलर 7 सीटर्स के चार्जेस है ₹50 पर पर्सन। अब हम जा रहे हैं अब कुछ खाने के लिए, जोर की भूख लगी है तो लेते हैं कुछ स्नैक्स। तो यहाँ पर कैंटीन है तो बस जाकर लेंगे कुछ खाने के लिए। अमूल कैफे जो साइंस सिटी के अंदर ही है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ खाना मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंच फ्राइज है, बर्गर्स है, समोसा है, चाय कॉफ़ी है, डोसा है और काफ़ी स्पेशियस और अच्छा इनका कैफ़े है। सेल्फ सर्विस है यहाँ पर और ये है उनका मेनू कार्ड। यहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है, सो टोकन के मुताबिक हमारा आएगा नंबर। हमारा टोकन है 179 और अभी चल रहा है 176। तो ये है पूरा कैफेटेरिया। गाइज मैंने मंगाया बर्गर, कॉफ़ी, सैंडविच, फ्राइज, ब्रेड बटर जाम। बहुत भूख लगी है, हम है 3 जन खाने वाले ये सारी चीज़ें, लेकिन अब खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। अच्छा है, गुजरात के स्टाइल में बर्गर बनाया लेकिन अच्छा है, अंदर ग्रीन चटनी डाला है, अच्छा है, भूख लगते हो सब अच्छा लगता है। जा रहे हैं हॉल ऑफ साइंस देखने के लिए, तो चलिए इसे भी विजिट करते हैं अंदर जाके। गाइस यहां बनाए अर्थ का ऑर्बिट, द फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई का भी यहां पर लेक्चर है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी यहां पर लेक्चर है। हाँ हाँ, दिस इज फन टू हैव फोटोज विद एस्ट्रोनॉट्स। सो गाइस अभी ये देखिए कि यहाँ पे जो सेटअप है वो सेलेस्टियल मोशन दिखाता है कि जैसे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं स्टार्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के। और मैं इसको ये फोर्स देता हूँ और देखिए वो कैसे घूमेगा वहाँ। जो बीच में का होल है उसको आप सन के ग्रेविटी के जैसे ले सकते हो, उसके आजू बाजू में ये एक बॉल एज अ प्लैनेट घूम रहा है। फ्रिक्शन की वजह से अभी ये नीचे गिर जाएगा, पर स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता है इसलिए वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। यूजुअल केसेस में जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी टायर या व्हील ये डाउनवर्ड मोशन में जाता है, पर आप ये कोन को यहाँ पे देख सकते हो ये अपवर्ड मोशन देगा। ये देखिए इट विल मूव टुवर्ड्स हाइट, वेयर एज यूजुअल टायर्स
जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर अब इसे स्टार्ट करते हैं और ये दोनों रिंग्स दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट करते हैं, इक्वल रखते हैं, तो जो रिंग्स है वो बहुत स्पीड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगे रेजोनेंस की वजह से। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। देखिए और वापस अगर सेम कर दूंगा तो वापस बढ़ जाएगी। डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिरर्स पे अलग अलग रिफ्लेक्शंस दिखेंगे, मतलब किसी में आप शॉर्ट दिखते हो, किसी में आप मोटे दिखते हो। तो काफ़ी फन भी है और उसके साथ साथ साइंस भी है कि इस तरह के मिरर्स भी होते हैं जिसमें आपको अलग अलग रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। विंटर्स होने की वजह से बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है, इट्स ओनली 6:30 राइट नाउ। अब हम जा रहे हैं पीछे मेरे देख सकते हो आप थ्रिल राइड में, तो चलिए देखते हैं इसे भी। गाइज यहाँ पर 30 rupees पर पर्सन है, ये आपके कॉम्बो में नहीं आएगी, मतलब आपने जो 500 का कॉम्बो लिया है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको थ्रिल राइड करनी है तो आपको अलग से ₹30 पर पर्सन देने पड़ते हैं। गाइस हमारे थ्रिल राइड स्टार्ट हो रही है। गाइस ये था थ्रिलर राइड का फन, बस चलते हैं अब आगे। ये वीडियो था पूरा एजुकेशनल, होप आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत कुछ देखने मिला होगा इस साइंस सिटी का, और मैंने भी बहुत नॉलेज लिया यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, कुछ नई चीज़ें देखने भी मिली और कुछ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी किए। और वो पार्क था वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, थ्रिल राइड थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की, होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा अहमदाबाद का। अगर आपको मेरे इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।